हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। टाइम हो रहा है 12:30 और गर्मी, मतलब मौसम सुबह थोड़ा ठीक हो गया, सुबह तो मौसम ठीक था और अब फिर से गर्मी होने लगी है और धूप निकली है बहुत ज़्यादा तेज। तो चलते हैं बाहर। हम बाहर आ गए और पूरी धूप निकली हुई है बाहर बहुत तेज। इधर सारे में इतनी धूप है और इधर देखिए इधर कितना अच्छा लग रहा है। और बंदरों ने बहुत कम अंगूर छोड़े हैं बेल में। जो जो अंगूर के गुच्छे पक रहे हैं वो सारे बंदर ले जा रहे हैं, एक भी गुच्छा नहीं हमने अभी तोड़ा। और यहाँ पर मैंने बथुआ सुखाने रखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं ये बथुए के पेड़ हैं। तो यहाँ बीज के लिए ये मैंने बथुआ सुखा दिया है। इस पे जो ये है आगे, ये बीज है बथुए का, आपको दिखा देती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं काला काला है, ये बीज है इसका। तो इसको मैं रख लूँगी स्टोर करके ना अगले साल के लिए। और बाहर भी एकदम सुनसान पड़ा है, गर्मी में जल्दी से कोई निकलता नहीं ना दोपहर में कोई, सभी लोग आराम करते हैं घर में और मैं वीडियो बना रही हूँ दोपहर में, ये देखो। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा लगता है ना, ये सामने ग्रीन ग्रीन, और ये सारे ना भांग के पेड़ हैं। अगर कुछ और होता तो अच्छा भी लगता है, ये भांग के पेड़ है। ऐसे लग रहा है कोई फसल हो रही होगी, जैसे गेहूं सरसों ऐसे लग रही होगी ना आपको, खेत जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन ये जंगल है और इसमें सारी भांग उगी हुई है। पर ये इससे ग्रीन ग्रीन जो लगता है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन दिखता है सामने बस। तो चलो अब चलते हैं। और ये आप देख सकते हैं आम कितने बड़े हो गए हैं। अब आम को देख के ऐसा लगता है इसे तोड़ के और खाओ, लेकिन मैंने ना ये 4-5 आम है ना ये पकने के लिए छोड़ रखे हैं, ऐसा लग रहा है बस इन्हें पीले हो जाएंगे ना। अगर ये बच गए तो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो में, इसलिए मैंने बचा रखे हैं। मानू आ गया है स्केट सूज पहनकर, स्केटिंग करने बड़ी जिद करके मंगाए थे इन्हें, और आज कितने महीने में बाहर निकाले हैं स्केटिंग सूज? एक दो महीने में। भैया जी हैं, कौन से? बड़े भैया। अभी सानू इन्हें चलाना सीख रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा है। समीर तो चला लेता है, अभी इसे नहीं आते, अभी ये सीख ही रहा है। आराम से आराम से। बाहर ना मौसम गर्म है लेकिन पेड़ों की छाया में तो अच्छा लग रहा है। और मुझे यहाँ पर एक टमाटर दिखाई दे गया है, पहले इसे तोड़ लेती हूँ, नहीं तो बंदर आ गए ना, बंदरों को कुछ दिख जाता है ना सब चीज तोड़ ले जाते हैं। तो ये आप देख सकते कितना रेड रेड हो रखा है, तो इसे तोड़ लेते हैं, नहीं तो फिर बंदर तोड़ ले जाएंगे। और जो ये कच्चे कच्चे ना हरे, इन्हें भी तोड़ ले जाते हैं, अभी बाकी के तो हरे ही हैं, तो ये एक ही पका हुआ है। तो चलिए इसे ले लेते हैं। और यहाँ फूलों का जो ये पेड़ है गुड़हल का, कितना प्यारा लगता है। मेरी वीडियो में आप जरूर देखते होंगे, मैं हर वीडियो में अब इनको डालती हूँ, जब तक इसके फूल खिलेंगे ना मैं सारे फूलों की वीडियो को डालूंगी। मुझे बहुत पसंद है फूल पौधे। अब दोपहर ही हो रही है, धूप है बाहर, जब भी मुझे पेड़ पौधे अपने देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मुझे ब्लॉग ना यहाँ खड़े होकर स्टार्ट करना चाहिए था, बहुत अच्छा लगता, लेकिन मैंने अंदर से स्टार्ट कर दिया। अगली बार कल करूँगी यहाँ से, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। तो यहाँ पर ना एक बथुआ का पेड़ रह गया है, वो मैंने बाकी के पेड़ तो तोड़ लिए थे, ये वाला रह गया है। तो ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा है ये पेड़ बथुए का, बहुत ऊंचा है ये, और इस पर बीज हैं। तो ये मैंने बाकी के तो उखाड़ देते, मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया एक बच गया, इसको भी उखाड़ के और इसे भी सुखा देते हैं। तो तोड़ लेती हूँ मैं इस वाले पेड़ को, ये तो हल्का सा है उखड़ सकता है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको ये कितना बड़ा पेड़ है, ये देखिए कितना बड़ा है ये, नीचे डाल के दिखाती हूँ आपको ये वाला पेड़। ये 7 फीट का पेड़ होगा, ये देखिए बथुए का पेड़ है। यहाँ पे ये पहाड़ी बथुआ होता है,
मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम ही आके देखा है कि ये भी कोई बथुए का पेड़ होता है। यहाँ पर ऐसे होते हैं, ये वो वाला भी होता है जो देसी होता है, और ये पहाड़ी वाला है। ये इतने बड़े बड़े हो जाते हैं इसके पेड़, और बहुत पत्ते लगते हैं इस पर। तो यहाँ मैंने पीछे डाल दिया ये बथुए के पेड़, और ये बीज झाड़ के फिर इनको हम स्टोर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब शाम को हम जा रहे हैं दोनों फ्रेंड फ्रेंड घूमने। शाम को निकल जाते हैं कभी कभी वॉक पे। तो ये आप पीछे देख सकते हैं कितना घना जंगल है यहाँ पर। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं, कहीं देर हो जाए घर आने में। अब चलते हैं गोलगप्पे खाने के लिए। सानू क्या खाने जा रहा है? जो मिल जाएगा वही। जो मिल जाएगा बर्गर टिक्की। घर से बोला गोलगप्पे और अब बर्गर टिक्की भी। चलो पहले गोलगप्पे खा लेना, उसके बाद देखेंगे ठंडा गर्म। और यहाँ पर हम पहले बर्गर बनवा लेते हैं, और हस्बैंड खाते नहीं है लेकिन उनसे मैंने बोला आज खा लो आज खा लो, तो चलो उन्होंने भी बोल दिया कि ठीक है तीन बर्गर बनवा लेते हैं। तो अब हम तीनों पहले बर्गर खाएंगे उसके बाद गोलगप्पे। तो देखते हैं गोलगप्पे खाएंगे या पैक करा के लेके जाएंगे घर। इस वाली शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो अब हमारा नंबर आ चुका है और हमें बर्गर मिल गए हैं। 5-10 मिनट खड़े होने के बाद मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है। फेमस हैं ये वाले बर्गर यहाँ के। अच्छा लग रहा है? गरम हो रहा है। कोई नहीं, धीरे धीरे। और बर्गर खा के पेट भर चुका है हमारा, तो हम लोगों ने गोलगप्पे पैक करा लिए। सानू कह रहा मुझे तो चाहिए गोलगप्पे, तो हमने पैक करा लिए हैं, तो घर ले जाके खाएंगे, क्योंकि यहाँ एक एक बर्गर खाया उसी से हमारा पेट भर गया है। और बर्गर खा लिए, गोलगप्पे पैक करा लिए, और चलते हैं अब हम घर पर। और काफी रात हो गई है, 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। घर से कह के गया था कि मुझे गोलगप्पे खिला खिला, और वहां जाके कह रहा मैं तो बर्गर खाऊंगा बर्गर खाऊंगा। बर्गर खा के आया है, और गोलगप्पे पैक करा खिलाने पड़े, क्योंकि फिर वो गरम गरम था बर्गर तो दांत खराब हो जाते, ठंडा गर्म हो जाता। तो फिर गोलगप्पे पैक करा लाए हैं, कह रहा है मुझे तो खाने थे वहीं पर, तो हम घर पर ही ले आए। सानू ऐसे काम करता है, घर पे बोलेगा कुछ और दुकान पे जाके जो भी होगा ना, मुझे ये भी खाना है वो भी खाना है। जब ये गया था तो फिर हम लोगों ने भी एक एक बर्गर ले लिया दोनों ने, और हम फिर तीनों ने बर्गर खाया और गोलगप्पे पैक करा के आ गए घर। और अब 8:30 बज गए और अब भूख लग नहीं रही, तो देखती हूँ अभी मैंने गोभी आलू सब्जी बना ली थी और रोटियाँ सेक लेंगे, जैसे भूख लगेगी तो तब भी बना दूंगी। और अब मैं और सानू खा लेते हैं गोलगप्पे बैठ के। तो चलिए ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देती हूँ। होप करती हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाय।